का राम मंदिर अपने निर्माण कार्य के चरम पर है। इस मंदिर में भगवान श्री राम 2024 में विराजमान हो जाएंगे और मंदिर भक्तों के लिए खुल जाएगा। इससे पहले राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में अब मंदिर का भूतल बनकर पूरा हो चुका है और प्रथम व द्वितीय तलों का निर्माण कार्य जोरों पर है। इसके लिए मंदिर निर्माण कार्यशाला में पत्थरों पर नक्काशी और पिलर को आकार देने का कार्य चल रहा है। ये लाल पत्थर हैं और वंशी पहाड़पुर राजस्थान से पत्थर लाया हुआ है और ये राम जन्मभूमि के ये जो है पिलर जो होंगे 392 पिलर टोटल लगेंगे, उसमें ये इस्तेमाल होगा। अब सफाई हो रही है, थोड़ा बहुत इसके अंदर जो कमियां हैं वो जो है पूरी की जा रही हैं, उसके बाद में उसको वहाँ भेज देंगे। अभी जो रखा हुआ है ये तीसरी मंजिल का पत्थर है, इस वजह से ये नहीं गया, बाकी चले गए। काल एक बारिश है, धूल गर्द है, संभाल नहीं हुई, रखा है यहाँ जो, इस वजह से जो पत्थर काला तो पड़ ही जाता है जब उसकी संभाल नहीं होगी। तो मतलब एकदम क्लीन करके भेज रहे हैं? हाँ, सफाई करके, कोई कमी है उसके अंदर, कोई थोड़ा बहुत कोना उसका टूट गया, कोई और है, उसको सबको सारा रिपेयर करके जो है वहाँ भेज रहे हैं। प्रथम तल पर लगने वाले खम्भों पर सुंदर नक्काशी की गई है। इन खम्भों में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर राजस्थान से लाए गए हैं और इन्हें चमकदार बनाने के लिए पत्थरों की घिसाई के लिए कारीगरों को नियुक्त किया गया है। 1992 के पत्थर हैं और ये रामलला के मंदिर में लगने वाले हैं। ये खम्भे का डिजाइन है और फिर ये बारिश की वजह से काला हो गया है, इसको हम लोग सफाई कर रहे हैं। 2024 में रामलला विराजमान हो जाएंगे और ऊपर ही नीचे का सिरा इसका बन के तैयार, दूसरा मंजिल बन रहा है और फिर हम लोग बहुत 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 खुश हैं कि जल्दी से रामलला का मंदिर तैयार हो जाए और जल्दी जल्दी रामलला विराजमान हो जाए। हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि कब जल्दी हो जाए, कि हम लोग भी दर्शन करने को उत्साहित हैं कि कब पहुँचे हम लोग रामलला मंदिर में। नरेंद्र मोदी की तो हम लोगों को बहुत बहुत उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सब उन सब की वजह से हम लोगों को रोजी रोटी भी लग गई है और उनका तो बहुत स्वागत है। ये पत्थर 1992 से कार्यशाला में रखे हुए हैं, जिस वजह से बारिश और हवा की वजह से इनकी चमक धुंधली पड़ गई है। अब इन्हें निर्माण कार्य के दौरान दोबारा सुंदर और चमकदार बनाया जा रहा है। आपको बताते चले कि राम जन्मभूमि के मंदिर में कुल 392 पिलर लगेंगे।